अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ इरम और आज हम बना रहे हैं नगेट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नगेट्स के लिए चिकन ली है 1 किलो बोन्स के साथ, 3 मीडियम साइज़ के आलू, 1 स्मॉल साइज़ का प्याज है, 4 से 5 जवे लहसुन के और 1/2 इंच का टुकड़ा है अदरक का। और अब इन सारी चीज़ों को हांडी में डाल लेते हैं। चिकन मैंने खुद बोन्स के साथ ली है क्योंकि हड्डी से टेस्ट अच्छा आता है, तो हमने इसकी यहनी इसी के अंदर ड्राई करनी होगी। और अदरक को मैंने पीस लिया था। इन सारी चीज़ों को डाल लेते हैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, हसबे ज़ायका नमक डाल दें। और तकरीबन 1 से 1.5 गिलास आप पानी ऐड कर दें जिसमें कि चिकन गल जाए और उसका सूप उसके अंदर ही ड्राई भी हो जाए। साथ में आलू चूल्हे पे रख देते हैं, नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा मैंने, और चिकन को भी ढक्कन लगा के रख देते हैं, मीडियम हीट पे रखते हैं। नगेट्स को कंबाइन करने के लिए मैंने ब्रेड ली है और इसको छोटे छोटे पीसेस में करके दूध में डिप करके रखते हैं। इतना दूध डाले कि ब्रेड उसको जज्ब करके सॉफ्ट हो जाए। ब्रेड को अच्छे से दूध में डिप करना है और इसको छोड़ दे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और हमारी चिकन गल चुकी है, रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और इतनी देर में हम आलू को कर लेते हैं। आलू को यहाँ पे मैं क्रश कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको मैश कर लें। आलू हमारे सही से गल चुके हैं और चिकन ठंडी हो चुकी है। चिकन को मैं श्रेड कर लेती हूँ। ये जी चिकन रेडी है, मुझे थोड़ा स्मॉल पीसेस चाहिए तो मैं इसको भी थोड़ा सा क्रश कर लेती हूँ। मज़ीद आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। अब इसमें आलू ऐड कर दें और हमारी ब्रेड भी सॉफ्ट हो चुकी है। ब्रेड को अच्छे से मैश करके तो इसको भी ऐड कर देते हैं। मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट है 1/4 टीस्पून और नमक भी 1/4 टीस्पून। नमक पहले भी डाला हुआ था तो इसलिए अभी ज़्यादा नहीं डालना। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून है और वाइट मिर्च पाउडर भी 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है। ऑयल में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के राउंड है ये। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसकी अच्छी सी डो बना लेते हैं। और ये रेडी है। इसका टेक्सचर देखिए, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। हाथों पे ऑयल लगा के अब हम इसके नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स आप जिस शेप के मर्ज़ी बना सकते हैं। अगर आपकी डो सॉफ्ट हो चुकी है ज़्यादा तो आप उसमें मज़ीद ब्रेड ऐड कर दें, और अगर आपकी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। और टेक्सचर आपने इतना रखना है इसका। आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं कुछ पीसेस में चीज़ डाल रही हूँ। तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये हमारे 28 नगेट्स तैयार हुए हैं। और इसकी कोटिंग के लिए दूध लिया है, तकरीबन 1/2 कप है ये। और इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं, और 1 अंडा ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है, और ब्रेड क्रम्स 1/2 कप, और थोड़ा सा नमक और मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसकी कोटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको एग में डिप करते हैं और फिर इसके ऊपर क्रम्स लगा लेते हैं। अच्छे से सारी साइडों पे आप क्रम्स लगा लें।
और अगर आप चाहें तो डबल कोटिंग कर लें अगर आपको क्रम्स ज़्यादा पसंद हैं, वरना एक सिंगल कोटिंग इसकी काफ़ी है। चले जी, ये रेडी हो गया और इस तरह सारे आप कर लें। हमने सारों को ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मीडियम हीट पे रखा हुआ था मैंने और अब वन बाय वन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं करना है और ये ऑलरेडी चिकन गली हुई है, सारी चीज़ें गली हुई थी तो इसलिए बस ये जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे, 4-5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो आप भी इसको ट्राई करें, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कितने मज़े के रेडी हुए ये, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।